सेल के बारे में पढ़ाया गया था। अच्छा सेल बता किसका इम्प्लीमेंटेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस का या फिर रिडॉक्स रिएक्शन का। हम लोग वैसे मॉडल भी पढ़े हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिन्होंने उस आइडिया को लेके आया था कि ऐसा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल ही पढ़ा। तो हमने पढ़ा क्या कि वो ऐसा उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा एक्चुअली जब अभी एट प्रेजेंट अगर हम अपना नॉलेज बेस चेक करेंगे तो ये पाएंगे ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमने फिर भी उसको मेरिट और उसके डिमेरिट को पढ़ा कि उन्होंने ऐसा उस समय सोचा था, ये मेरिट हो गया, तो कैसे उस चीज को डेवलप किया गया, क्या क्या उसके पीछे प्रॉब्लम आई। जैसे एक नया आइडिया कुछ भी आप लेके आइए, तो अगर 10 लोग हैं उस फील्ड के मास्टर, तो उसमें से 5 से 6 लोग तो क्या हुआ कि जो कोई भी आप नया आइडिया अगर लेके आएंगे तो उसमें 5 से 6 लोग जो होते हैं, अगर 10 एवरेज आप लेते हैं तो 50% या 60% लोग उस चीज को डिसक्वालीफाई कर देंगे कि नहीं इससे क्या आइडिया मिलेगा, हम लोग एक्सपर्ट हैं, हमारा दिमाग नहीं सोच पा रहा तो इसका कैसे सोच। तो उसको बोलते हैं नैरो थिंकिंग, यानी लोग क्या होता है कन्फाइंड होकर सोचते हैं कि हाँ हमसे नहीं हो पाएगा। या फिर बहुत आदमी जो होता है ये भी सोच लेता है कि ये तो बहुत बड़े बड़े लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनसे नहीं हो पा रहा है तो हमसे कहाँ हो पाएगा। बहुत बड़े बड़े कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं सही से तो हमसे कहाँ से हो पाएगा। तो ऐसा होता तो और कोई जिसका बड़ा नाम होता वही उसी का सबसे ऊंचा पकवान होता, ऐसा नहीं है। हमने प्रॉब्लम कब आती है कि जिस चीज से हम दूर जाते हैं, जो चीज हमको प्रॉब्लम अगर कर रहा है उस चीज पर हम जोर नहीं देते, जितना उसको टाइम चाहिए उस चीज को लर्न करने के लिए या दिमाग को उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए उतना टाइम हम देने का कोशिश नहीं करते हैं, उसी से ये सारा प्रॉब्लम जो है हमारे साथ आता है। बिल्कुल सही तरीके से। तो इस चीज को हम लोग को थोड़ा अपने आप से तभी हमारा तरक्की हो सकता है। याद करने का मतलब होता है कि उसमें कुछ जैसे केमिस्ट्री में ही हो गया कि कुछ रिएक्शंस हो गए, कुछ आपके स्पेशल टर्म्स हो गए, तो ये सारा चीज हमको थोड़ा याद करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर में या फिर नॉर्मली हमारा माइंड इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, इसलिए हमको उस चीज को याद करना पड़ता है। तो हाँ उस चीज को याद करना जरूरी है, उस चीज को हम 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तभी हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन एक बार जब हम उसको पढ़े तो मोटा मोटी तौर पर हमको ये समझ में आ जाता है कि क्या क्या यहाँ पे होता है, कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे हमने आपको कल पहले पढ़ाया सेल, सेल पढ़ाया तो एक सिंगल जो स्ट्रक्चर है रिडॉक्स रिएक्शन का, हाफ सेल यानी एक में ऑक्सीडेशन एक में रिडक्शन, तो जो सिंगल स्ट्रक्चर है दोनों हाफ सेल का, वो अगर एक कॉम्बिनेशन है तो वो कहलाता है सेल। जब हम वहां मल्टीपल उस स्ट्रक्चर को यानी रिडॉक्स रिएक्शन को कंबाइन कर दिए सीरीज में एक साथ या पैरेलल में उस तरीके से, तो वहां पे हम उसको बना लेते हैं क्या बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या होता है एक सिंगल भी हम लोग सेल अगर खरीदने जाते हैं, एक आप ड्राई सेल खरीदने अगर मार्केट में जाते हैं, एक एवरेडी का बैटरी खरीदने जाते हैं, तो हम भी बोलते हैं वो चीज, हम लोग जाएंगे बोलेंगे बैटरी दे दो भाई, तो बैटरी हम लोग वहां से मांग लेते हैं। तो हम लोग उसको आपने सोचा कि बैटरी क्यों बोलते हैं सेल क्यों नहीं बोलते हैं, कभी इस बात को एनालाइज किया? तो नहीं। हम लोग उसको बैटरी बोलने के पीछे क्या, क्योंकि देखिए डेली डे टू डे लाइफ में नॉर्मल लाइफ में एक सेल से हमारा काम कहीं नहीं चलता है, कहीं कहीं चल गया तो कहाँ, तो मान लीजिए कहीं घड़ी चलाना हो तो उसमें वो काम हो गया, कहीं बटन सेल लगता है छोटा वाला तो वो जनरली लोग सेल ही बोलते हैं, लेकिन कहीं भी हम बैटरी अगर यूज करते हैं तो वहां बैटरी जो यूज करते हैं वहां मल्टीपल नंबर ऑफ सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हम जो यूज करते हैं, हम जो अपने डेली लाइफ में जिस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं उसी परस्पेक्ट में उसको याद रख। तो आप जो है किसी चीज को किसी एक्टिविटी को अगर अपने डेली लाइफ के एक्टिविटी में, जैसे कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे आप फोर्स ही पढ़ रहे हैं, तो फोर्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। न्यूटन ने जो आइडेंटिफाई किया कि ग्रेविटेशनल पुल होता है, मान लीजिए कि पेड़ से कुछ भी गिरा तो नीचे धरती पे गिरी है, तो ऐसा नहीं कि उसने जैसे ही देखा और कैलकुलेट कर लिया कि हाँ यही जी हो गया, वो तो एक आइडिया भर का था कि वो उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि ये कैसे क्यों गिरा, ये यहीं पे क्यों गिरा, कोई ना कोई इसको अगर नीचे की तरफ खींच रहा तभी ये गिरा। तो वहां से उसके बाद का जो कंडीशन था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट बहुत सारा रिसर्च, उसके बाद उसने आइडेंटिफाई किए कि कैसे ये चीज गिरता, उसको लोगों को
प्रूव किया लोगों के सामने, लोगों को समझाया, तभी उस चीज को लोग ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये चीज होता है। वैसे ही हमारा जो डेली का एक्टिविटी है, जो हम पढ़ते हैं, उसको जब तक हम अपने यूज वाले सब्सटेंस से नहीं जोड़ेंगे, जो लाइफ में डेली होता है उस चीज के प्रोस्पेक्ट में उसको नहीं देखेंगे, तब तक हमको याद नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मली हमने उस दिन पढ़ाया था आपको ड्राई सेल, ड्राई सेल ही तो हम एग्जांपल देते हैं कि पहले आप लोग बताते थे कि पहले बता रहे थे कि पहले देखे थे कि बहुत सारा सेल लीक कर जाता है, या उस पे देखते हैं कि तूतिया जम जाता था वो फंग उस पे। तो ये सारा जो कंडीशन है, ये हम उससे लिंक इसलिए करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे पास अंदर आया है, हमारे सामने ये कभी ना कभी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है। तो उस प्रॉब्लम के को रिलेट करके अगर हम अपने थ्योरी को अगर पढ़ेंगे तो हमको वो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे बहुत लोग पीरियोडिक टेबल याद करने का टेक्निक ढूंढते हैं, आप अगर उसको एक बार कोशिश कीजिएगा कि आप डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में जानने के तौर पे कि इसका यूटिलाइजेशन क्या, हम लोग अगर इसमें यूटिलाइज करते हैं, अगर कहीं आयरन अगर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, तो आयरन में सबको ही जानते हैं कि कोरोजन होता है, आयरन के कोरोजन को रस्टिंग बोलते हैं, सबको ही जानते हैं, जंग लगता है और वो गिर जाता है, ऐसा होता है। यस सर। तो वहां भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, वहां भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जगह अलग अलग टेक्निक यूटिलाइज किया जाता है। तो वही उसके एक्शन का, यानी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो उसी का प्लेटिंग वगैरह करके उसके ऊपर लेप चढ़ाना, या उसको किसी से कनेक्ट कर देना, या फिर उसके मॉइस्चर के एक्सपोजर को कम कर देना, यानी उस पर पेंट वगैरह ये सब का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं कहीं पे गैल्वेनाइज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा वही स्ट्रक्चर है, वही लोहा भी है उसमें भी, लेकिन पोल वगैरह पे देखे होंगे कि पोल वगैरह पे जो है एक जिसमें आपको वो तार वगैरह बांधने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, एक व्हाइट कलर का गैल्वेनाइज आयरन का बीम टाइप का लगाया जाता है, तो उस पे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। तो क्या कर देते हैं हम, उसका एलॉइंग कर देते हैं, उसका कंपोजिशन थोड़ा चेंज कर देते हैं कि जिसके कारण वो दूसरे से ऑक्सीजन से या मॉइस्चर से रिएक्ट नहीं कर पाए। तो उस चीज को हमें केमिस्ट्री जो है डे टू डे लाइफ में ये होने वाला चीज है, ये होता है, लेकिन उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं कि ये हो रहा है, बस उसका रिजल्ट हम लोग देखते हैं कि हाँ ये रिजल्ट हमको मिल गया, बस हमको इसी से मतलब, लेकिन उस प्रोसेस पे हम लोग ध्यान नहीं देते कि क्यों ऐसा होता है। जैसे ड्राई सेल की ही बात रही, ड्राई सेल के उसमें ही देखते हैं, तो जब भी हम ड्राई सेल को, बहुत लोगों ने आपने तोड़ा भी होगा, याद है? यस सर, थोड़े से। हाँ, तो उसमें से बीच से जो है, बिल्कुल बीच से एक रॉड टाइप का निकलता है, स्टिक टाइप का, बिल्कुल सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, जिसपे कैप लगा हुआ होता है, ब्लैक कलर देखे, ब्लैक कलर का। हाँ, तो वो ग्रेफाइट, वो कैथोड का काम करता है, जो आप डंडी सा निकाल दिए उसमें से, वो है कैथोड, ठीक है। उसके बाद आप जब उसको तोड़ते हैं तो ऊपर में हल्का एक मेटल का कवर देखते हैं, वो मेटल जो है वो होता है आपका एनोड, जो कि जिंक का पॉट टाइप का है, वो चारों तरफ से सर्कुलर सिलिंड्रिकल टाइप का, जिसमें सारा चीज भरा जाता है, ये सारा जो इलेक्ट्रोलाइट या कैथोड या फिर ये पेस्ट वगैरह जो है उसको उसमें फिल किया जाता है, ठीक है। तो उस चीज को, वो जो होता है, तो उस कंटेनर को हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिंक का है और वो एनोड के टाइप में। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एक बैटरी को आगे एक सेल को रखते हैं, उसके पीछे दूसरे सेल को, या फिर आपने देखा होगा कि कोई कोई जो ज्यादा एक्सपेरिमेंटल जो बच्चा होता है, वो एक छोटा सा बल्ब लेगा, दोनों सिरे पे ऐसे ज्वाइन करके दिखाएगा, बोलता है कि देखो जल गया। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप लोग बचपन में किए हैं? यस सर, स्कूल में भी मिला था प्रोजेक्ट। हाँ, तो वो क्या होता है कि जो जिंक, जब हम एनोड और कैथोड को आपस में जब ज्वाइन कर देते हैं बल्ब के थ्रू, तो एक सर्किट बन जाता है, और क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से शुरू हो जाता है, और वो फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होने लगता है, और हमारा जो आउटपुट है वो लाइट के रूप में, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी के रूप में मिलने लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस जिंक कंटेनर को, इस ग्रेफाइट का जो टर्मिनल है ऊपर वाला, उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी जो एनोड हो गया
उसको कनेक्ट कर दिए एनोड से, और जो पॉजिटिव टर्मिनल हुआ वो हो गया हमारा क्या चीज, वहां पे वो जुड़ गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जो कंडीशन है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जेनरेट होना चाहिए, यहाँ पे एक डीपोलराइजर भी हम लोग इस्तेमाल कर, तो ये डीपोलराइजर क्या करता है कि ये चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कराने में हेल्प करता है। ये इक्वेशन देखिए, एट कैथोड, ठीक है, अमोनिया आयन था NH4 प्लस MnO2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वहां से क्या होगा उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन वहां से उसको मिलेगा तो जो एक इलेक्ट्रॉन NH4 आयन जो है वो आपको कन्वर्ट हो जाएगा NH3 में, यानी अमोनिया में, ठीक है, और MnO2 जो है वो यहाँ पे एक एच आके वो से रिएक्ट करके और वो MnO और OH माइनस आयन के वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो गया क्या, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ गया, यानी गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन यहाँ आके इसको मिला। एनोड पे क्या हुआ, जो जिंक कंटेनर है हमारा, वहां पे क्या हुआ कि जो जिंक कंटेनर है Zn2+ वहां पे डिकम्पोज हुआ, वो टूटा, और टूटने के बाद क्या होता है कि वो Zn2+ आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉन वहां से उसने क्या कर दिया, दे दिया। तो इस तरीके से एनोड पे जिंक जो है धीरे 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 क्या हो गया, सॉल्यूशन में मिलते गया, डिकम्पोज होते गया। तो जिंक कंटेनर हमारा कुछ टाइम के बाद क्या रहेगा, जिंक कंटेनर अगर कुछ कुछ वहां से हम घिसते जाए, निकालते जाए तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वहां से जिंक का खत्म हो जाएगा। तो जिस समय जो एनोड है वो खत्म हो जाता है, कंप्लीट वहां से टूट गया, वहां से अलग हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे आपको वो सेल वहां पे खत्म हो गया, वहां से अब एनर्जी हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि किसी किसी का बैटरी खत्म हो जाता है तो वो थोड़ा अगर ज्यादा कोशिश करता है, क्या करता है कि वो बैटरी को थोड़ा पंच कर देता है, यानी दबा देता है। दबाने के बाद क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वहां पे रिएक्शन थोड़ा और स्पीड अप हो जाएगा, और वो जो रिएक्शन का स्पीड जब बढ़ जाएगा तो वहां पे वो थोड़े देर के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे और प्रोड्यूस होने लगेगा और वो बैटरी हम थोड़ा और यूटिलाइज करते हैं। तो खास बहुत जगह कहाँ लोग यूज करते हैं, ये जैसे वॉल क्लॉक वगैरह होता है उसमें लोग इस तरह का ये टेक्निक अपनाते हैं, या लाइट वाला जो टॉर्च वगैरह पहले यूज होता था उसमें इस तरह का टेक्नोलॉजी अपनाते थे कि चलो उसको थोड़ा दबा देते हैं तो उसका जो है, तो उसमें क्या होगा, बस केवल जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए वॉल्यूम कम हो गया तो जो, या फिर जो इधर थोड़ा बहुत जो डिस्कनेक्ट हो गया है तो उससे कनेक्टिविटी उनका आपस में मेंटेन हो जाता है। इस चीज को जो है नॉर्मली हम लोग देखिए आपको क्या चीज इसमें याद रखने की जरूरत है, एक तो डायग्राम, ठीक है, दूसरा उसमें कैथोड में कौन सा यूज होता है, एनोड में कौन सा वो यूज होता है। तो एनोड में हम लोग यूज करते हैं कंटेनर और कैथोड में ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। तो एनोड में हम लोग जिंक ही यूज करेंगे हर समय, उसको उल्टा जब हम वो करेंगे तो वो नहीं होगा, इसीलिए आप वहां पे बैटरी के ऊपर देखेंगे भी तो प्लस और माइनस दोनों साइड जिधर कैप लगा रहता है उधर आपको दोनों साइड ये मेंशन रहता है कि प्लस किधर है माइनस किधर है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जो आयंस में तब्दील हो, आयंस में टूटे, तो आयंस में कौन टूटता है, अमोनिया टूट रहा है यहाँ पे, NH4+ जो है और Cl- ये आयंस में टूट रहे हैं, जिंक प्लस एंड क्लोरीन Cl2 ये जो है ये क्या आयंस में टूट रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे यूज होते हैं। उसके बाद एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे आपका कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और उस दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर देंगे तो जो लेफ्ट साइड होगा उसको लेफ्ट साइड की तरफ लिख दीजिए दोनों में, और राइट साइड जो होगा उसको राइट साइड की तरफ लिख दीजिए, और जो भी कॉमन आ रहा है उसको हटा दीजिए। इतना ही आपको इसमें मेनली याद रखना है, इतना याद हो जाएगा, तो इतना याद होगा या नहीं सो बताइए। यस सर, हो जाएगा। यस सर। पहले आपको क्या करना है, देखिए दोनों जो लेड स्टोरेज सेल और ये ड्राई सेल है उसका डायग्राम आपको एक से दो बार बनाना है, ठीक है, आप बना
बनाकर उस डायग्राम को और मेरे उस पे सेंड कर दीजिए। जब ये एनोड कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट ये तीनों आपको याद हो जाएगा तो रिएक्शन बहुत ही इसका इजी है दोनों कंडीशन में, सेकेंडरी सेल का भी और प्राइमरी सेल का भी, और सेल से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आना ही आना है पक्का, ठीक है? ओके सर। और तीसरा जो है, और तीसरा जो पहले इस चीज को कीजिए, उसके बाद जैसे ही आप जब करेंगे तब आपको प्रॉब्लम आएगा वो पता है हमको। जब आप चीज को पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक कोई याद भी नहीं रहता है। तीसरा जो डायग्राम है इसमें वो है आपका ये वाला फ्यूल सेल। इसमें क्या होता है, ये बहुत आसान है। एक तरफ से हमने H2 गैस डाला, ठीक है, एक तरफ से O2 गैस डाला फ्यूल के तौर पे, ठीक है। बीच में जो ये जो ब्लैक पट्टी दिख रहा है ये है हमारा OH आयन, ठीक है। ये OH आयन है और इसके दोनों तरफ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड भी पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है। पोरस कहने का मतलब जिसमें हल्का हल्का छिद्र होगा, क्यों? ताकि यहां से जो गैसेस है वो बाहर निकल, पोरस होगा तो वहां से लिक्विड वगैरह भी सफल हो पाएगा। तो जो OH आयन है ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जब तक हम इसको इसमें सप्लाई करते रहेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, तब तक ये सेल काम करता रहे। यानी ये सेल ना तो ड्राई सेल की तरह आपका काम करता है और ना ही आपका लेड स्टोरेज सेल है उसकी तरह। उस दोनों में क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो है वो पहले से फिल कर देते हैं और बस उसको जो एक तो प्राइमरी सेल हो गया उसको यूज किया खत्म, फिर लेड स्टोरेज सेल है उसको कुछ टाइम नंबर ऑफ टाइम्स तक उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसलिए उसको 4 साल का 5 साल का वारंटी दिया रहता है। लेकिन ये सेल जो है इसका हम जब तक इसमें फ्यूल सप्लाई करते रहेंगे तब तक हम इसका इस्तेमाल करते रहें। इसका रिएक्शन देखते हैं, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है। दोनों इलेक्ट्रोड कार्बन का ही होता है, पोरस कार्बन होता है। इस पे क्या होता है कि देखिए H2 गैस है, वो OH से मिलके क्या बनाएगा H2O में। एनोड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे दिया जाएगा तो H2O में तब्दील हो गया। हाइड्रोजन जो है वो OH से मिलके क्या चीज में बदल गया, वाटर में। और कैथोड पे क्या हुआ कि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो आपको रिएक्ट किया किस चीज से, H2O से, और वो फिर से इसको क्या किया OH आयंस में बदल दिया और 4 इलेक्ट्रॉन जो वहां जो बना वो जो इलेक्ट्रॉन बना था उस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पे फिर कंज्यूम कर गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखिए 2 और 2 4, 2 से और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल रिएक्शन को, तो 4 इलेक्ट्रॉन हमारा हो जाएगा। और ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि ओ जैसे ही हम दोनों को कंबाइन कर देंगे H2+O2 और आएगा आपका H2O। रिएक्शन इसका बिल्कुल सिंपल है, रिएक्शन में कोई वो नहीं है। H2 को रिएक्ट कराएंगे OH से, बनेगा H2O+ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपका वहां से निकलेगा। फिर दूसरा जो रिएक्शन है सेकेंड हाफ का रिएक्शन है, वहां पे क्या है O2 को रिएक्ट करा देंगे उच्च H2O से और वहां पे और +4 इलेक्ट्रॉन से, तो वहां से फिर OH आयन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा, यानी ये जो है पोल्यूशन बिल्कुल क्रिएट नहीं होता है, यहाँ से कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं होता है। तो इसका यूटिलाइजेशन हम वहां पे करते हैं जहां पे हमको किसी भी मतलब कम से केवल मतलब जैसे वेस्ट मटेरियल का मतलब उसको हम ऑक्यूपाइड नहीं ले जाना चाहते, जैसे किसी भी स्पेस स्टेशन पे या कहीं पे जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट डिजाइन जिसका होता है, जैसे समुद्र के अंदर भी कोई ये मैरीन वगैरह होता है, तो उन सब में क्या कर सकते, अगर हम जितना ज्यादा अगर सामान अगर ले जाएंगे तो उसको यूजफुल मटेरियल ले जाने का कैपेसिटी और कम हो जाएगा। जैसे स्पेस वगैरह में हम लोग जाते हैं, स्पेस वगैरह में ऑक्सीजन की कमी है या फिर आप बोलिए वहां पे गैसेस की कमी है, तो वहां पे क्या होगा कि कोई भी अगर हम बैटरी वगैरह या वैसा सामान ले जाते हैं एनर्जी के लिए जो कि हार्मफुल गैसेस अगर रिलीज करता है, तो उस स्पेस स्टेशन में आदमी रह ही नहीं पाएगा। उसको वहां पे फिर धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आएगा कि उसके हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो ऐसे जगह पे यूटिलाइज करने के लिए ये बहुत ही सुटेबल सेल है। कहां यूज हुआ था ये अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूटिलाइज किया गया था। और
उसके बाद से ज्यादातर उसमें इसी सेल का यूटिलाइज किया जाता है। तो इसका देखिए अब बेनिफिट्स क्या है, इसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा है, इफिशियंसी इसका 60-70% जो है, जितना हम फ्यूल सप्लाई करते हैं उसका 60-70% जो है यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी, जब तक हम इसको H2 और O2 सप्लाई करते रहेंगे तब तक हमको क्या होगा, एनर्जी मिलता रहेगा। तीसरा जो बेनिफिट है यह है पॉल्यूशन लेस है, पॉल्यूशन फ्री वर्किंग है, यानी इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्या होता है, हम OH लेते हैं, OH से H2 बनता है, फिर H2 से और उस इलेक्ट्रॉन से फिर क्या होता है, O2 में OH में कन्वर्ट होता है और वो हम फिर उसका उसी चीज को सर्कुलेट होते रहता है। तो कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बनने के कारण क्या हो जाता है, हम इसका यूटिलाइज करते हैं। दूसरा चीज इसका अभी जो है रिसर्च जो है ये पॉल्यूशन फ्री सेल है, इसलिए इस पे काम भी चल रहा है कि हम इसको कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली डेवलप कर पाए जिससे कि हम इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी संभव कर पाए। तो तीसरा जो आपका डायग्राम है वो चीज ये, इसको भी स्नैप लीजिए। ये तीनों डायग्राम जो है कल तक, कल के क्लास से पहले पहले बन के मेरे पास आ जाना चाहिए सभी का। फर्स्ट वाला है आपका ड्राई सेल का, नोट भी कर लीजिए नहीं तो, ड्राई सेल। सेकेंड वाला है लेड स्टोरेज सेल, सेकेंडरी सेल में आता है लेड स्टोरेज सेल, और थर्ड वाला आपका फ्यूल सेल। और एक आपको सीरीज बताना था रिडक्शन पोटेंशियल का, देखते हैं इसमें ये सीरीज ऊपर वाले को दो हाफ में है, इसको क्लिक मारिए। लिथियम पोटेशियम बैरियम स्कैंडियम मेटल नॉन मेटल से हमने मेटलर्जी पढ़ाया, मेटलर्जी से वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बहुत सारा मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, वहां से इलेक्ट्रोलाइसिस से फिर वहीं पे रिडॉक्स रिएक्शन, उसी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो वहां से फिर हम थर्ड यूनिट से सीधा आए हैं फिफ्थ यूनिट में। फिफ्थ यूनिट में क्या था आपका, रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्स लिंक्ड चैप्टर। उसके बाद से हम पहुंच रहे हैं कहां, उसके बाद पहुंचेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस में। इलेक्ट्रोलाइसिस ये दोनों तीनों चारों चीज एक ही टॉपिक से रिलेटेड है, सबका सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है। वहां से जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वहां से वो चीज आएगा कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का यूटिलाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ चुके हैं लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अभी नहीं पढ़े, इलेक्ट्रोप्लेटिक वगैरह यानी मेटल को, जैसे अभी कोरोजन पढ़ेंगे, रस्टिंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वो इलेक्ट्रोलाइसिस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। तो हमारा जो यूनिट है उसमें डिफरेंट चैप्टर सब डिवाइडेड है, इंटरलिंक्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, समझे। ओके सर, तो ये जरा सीरीज वो कीजिए, जैसे आपको हम बताते थे ना कि आयरन है, कॉपर है, और जैसे एल्युमिनियम में बताया था, एल्युमिनियम हो गया और वहां पे तीन चार मेटल था, एल्युमिनियम था, सोडियम था, पोटेशियम था, तो सोडियम था और एक और H+ था, तो उसमें जो है किसका रिडक्शन होगा, रिड्यूस कौन होगा या ऑक्सीडाइज कौन होगा। तो एल्युमिनियम का सेपरेशन में तो प्रिफरेंशियल रिडक्शन उसको बोलते हैं कि किसका रिडक्शन, एक से ज्यादा आयन जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में पाया जाता है तो किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, वहां पे क्या होता है कि सेलेक्टिव हो जाते हैं। वो सेलेक्टिव किस पे डिपेंड करता है, वो सेलेक्टिव जो है हमारा यही चीज बतलाता है कि किसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कितना कम या ज्यादा है, उसी चीज को यहाँ पे वो दिया गया है। इतना ज्यादा एलिमेंट का आपको जरूरत नहीं है, आपको जो जो एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन पढ़ना है उस एलिमेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो जो इलेक्ट्रोलाइट या जो आयन यूज हो रहा है उस आयन्स के बारे में उसका थोड़ा बहुत जानना जरूरी है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा या किसका कम होता है। तो वही चीज है कि थोड़ा अगर एलिमेंट है अगर हम ज्यादा भी पढ़ लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए ऊपर से देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पे सोडियम Na आ रहा है, ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम है और उसके बाद एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम और सोडियम, तो वहां पे सोडियम रह जाता था और एल्युमिनियम क्या होता था कि वो रिड्यूस हो जाता था, एल्युमिनियम का रिडक्शन हो जाता था। क्यों, क्योंकि वो नीचे पाया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम होता है इसलिए वो इजिली रिड्यूस हो जाता है। तो जिसका
जो सीरीज में इस सीरीज में नीचे होगा वो पहले रिड्यूस होगा। वैसे ही आयंस का भी है, तो एसओ आयंस सबसे लेट से सबसे ज्यादा उसका होता है तो वो लेट से रिड्यूस होगा, उसके बाद एनओ थ्री होता है। तो इस तरीके से जैसे हम लोग वहां पे देख रहे थे कि OH आयन जो है वो पहले चला जा रहा था एनोड के पास और इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दे रहा था, और फिर दो OH आयन मिलके H2 में कन्वर्ट हो जाता था, और एक और फिर वो जो है ऑक्सीजन जो है दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन करके O2 से के फॉर्म में वहां से रिलीज हो जा रहा। तो OH जो है सीरीज में वही नीचे आता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज पहले हो जा रहा था जो, और आपका जो SO4 है आयन है वो सीरीज में ऊपर आने के कारण उसका रिडक्स जो ऑक्सीडेशन है वो लेट से हो रहा है। तो ये दो चार सीरीज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, और ये इसलिए आपको इस अभी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आप पढ़ेंगे ना अभी जो बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उस क्लास में हमको ये बताने में आसान होगा कि ये थोड़ा ध्यान में रहेगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन क्यों ऐसे हो जाए। उसके बाद है आपका कोरोजन, सारा चीज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही है। इस चीज में यहाँ पे देखिए एक फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर 12.7। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड, यहाँ पे आयरन जो बना हुआ है, आयरन पे क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है। आयरन ऑक्साइड बनने के कारण रस्टिंग होता है, तो ये कंप्लीट रिएक्शन साइकिल।